Good morning, student. Today we will discuss about the mono-hybrid curves. As you all know, in the previous lecture we have discussed about the work of Mendel in the Pisum-Sativum plant, and today we will discuss about their work and what type of crosses they have performed and what type of laws they have originated from these crosses. Okay, so first of all we will discuss about the mono-hybrid curves. First of all, you should know what is the meaning of mono hybrid. Mono means they have taken only one character. So, एक ही character को लेके उन्होंने अपने cross को perform कराया. That is why we call it as mono hybrid cross. In mono hybrid cross, for example, they take their character height, or they may take the character of seed shape, seed color. ये कुछ भी हो सकता है, कोई भी character हो सकता है. और मोस्ट कॉमन एंड कॉमनली दे यूज द करेक्टर ऑफ हाइट, क्योंकि वो देखने में बड़ा इजीली विजिबल था. तो उन्होंने इसको लिया टॉल की फॉर्म में, कैपिटल टी और स्मॉल टी मतलब डॉफ की फॉर्म में. एक चीज ध्यान रखना बेटा, जिस भी सिंबल को आप कैपिटल में लिख रहे हो ना, वो हमेशा डोमिनेंट रहता है, और जिसको भी आप स्मॉल में लेटर में लिखते हो वो हमेशा कैसा रहता है बेटा, रिसेसिव रहता है. ये एक बना हुआ है, इनका पैटर्न बना हुआ है. तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस जब भी आप परफॉर्म करवाते हो, आप किसी एक सिंगल कैरेक्टर को कंसीडर करते हो. ठीक है बेटा, क्रॉसेस करवाने के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने दो प्लांट लिए, कैपिटल टी और स्मॉल टी. इसका क्या मतलब था, होमोजाइगस टॉल. होमोजाइगस बिकॉज बोथ द एलील्स आर सेम, फैक्टर्स आर सेम, और इसको बोला होमोजाइगस ड्वार्फ. ठीक है बेटा, अब दो बार क्यों लिया, बिकॉज इस प्लांट के अंदर एक कैरेक्टर इसके मेल प्लांट से आता है और एक फीमेल से आता है, इसलिए यहाँ भी दो वेक्टर लिखे हैं, यहाँ भी दो लिखे हुए हैं. ठीक है, पेयर्ड क्रोमोसोम्स होते हैं इसको. अब इनको हम पेरेंट मान लेते हैं. अब इसके बाद बताए हम इनके बनाते हैं गैमिट्स. कैपिटल टी यहाँ पे लिख दिया, कैपिटल टी यहाँ पे लिख दिया, सेम चीज यहाँ पे स्मॉल टी और स्मॉल टी. तो ये हो गए बेटा आपके गैमिट्स. ठीक है, इन पेरेंट्स के गैमिट्स बन गए. अब आप क्या कराओगे, इनको क्रॉस कराते हो, इसका एक बार इससे कराएंगे, इसी का फिर एक बार इससे कराएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी. अब इसका दोबारा इससे करा दिया, अगले वाले से. अब इसको ले लिया, इन दोनों से करा दिया, एक बार इससे करा दिया, एक बार इससे करा दिया, एंड यू विल सी कि सारे के सारे एक जैसे ही हैं. तो अगर आप इसको एक बार भी लिखोगे तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, आप इसको एक बार भी लिख सकते हो, कैपिटल टी स्मॉल टी. अब आप एक चीज देखना, यहाँ पे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, इफ बोथ द सिंबल आर सेम द कंडीशन इज कॉल्ड होमोजाइगस, इफ बोथ द सिंबल आर डिफरेंट द कंडीशन इज कॉल्ड हेटेरोजाइगस. तो ये कैसा प्लांट हो गया बेटा, आपका हेटेरोजाइगस प्लांट है. नाउ द क्वेश्चन इज, ये हेटेरोजाइगस टॉल है या हेटेरोजाइगस ड्वार्फ है. तो बेटा ये हेटेरोजाइगस टॉल होता है. द रीजन इज, जब भी कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर के साथ में आता है, या जब भी कोई डोमिनेंट कैरेक्टर रिसेसिव के साथ में आता है, डोमिनेंट वन इज शो, रिसेसिव वन इज सप्रेस, वो दब जाता है, वो अपने आप को शो नहीं करता. तो ये सारे के सारे पौधे कैसे हैं बेटा, हेटेरोजाइगस टॉल होते हैं. एंड दिस इज योर F1 जनरेशन. और इस जगह से आपका जो लॉ निकल के आया था, दैट वॉज लॉ ऑफ डोमिनेंस. एंड वॉट लॉ ऑफ डोमिनेंस सेज, द लॉ ऑफ डोमिनेंस सेज दैट व्हेनेवर वी क्रॉस द डोमिनेंट कैरेक्टर विद द रिसेसिव वन, जब कभी भी हम किसी डोमिनेंट कैरेक्टर को रिसेसिव से क्रॉस कराते हैं, तो फर्स्ट फाइलर जनरेशन के अंदर आपको हमेशा डोमिनेंट कैरेक्टर देखने को मिलता है, क्योंकि डोमिनेंट रिसेसिव को शो होने नहीं देता, रिसेसिव कैरेक्टर छुप जाता है, डोमिनेंट कैरेक्टर अपने आप को दिखा देता है. तो इसीलिए ये जितने भी पौधे हैं ये कैसे बनेंगे बेटा, हेटेरोजाइगस टॉल बनेंगे. नेक्स्ट, अब इसके हम क्या कराते हैं बेटा, सेल्फिंग कराते हैं. यानी इनमें से कोई दो पौधे आपने ले लिए, इसको एक को मेल मान लिया, एक को फीमेल मान लिया, अब इसकी आप कराओ क्रॉस. बिल्कुल वैसे गैमेट बना लिया, इनको हमने पेरेंट मान लिया, तो ये बन गए आपके गैमेट्स. अब यहाँ पे हम थोड़ा सा आपके काम को और आसान करेंगे, ये वाले में थोड़ा बच्चा पजल हो जाता है. पुनेट स्क्वायर ड्रॉ करेंगे, इसको हम पुनेट स्क्वायर बोलते हैं. इनको यहाँ लिख लिया एक बार, इनको ऐसे भी लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, ये लिख लिया आपने, ये गैमेट्स को यहाँ पे लिख लिया, गैमेट है आपके. इन दोनों गैमेट को फ्यूज करवाया, इन दोनों गैमेट को फ्यूज करवाया, इसको और इसको फ्यूज कराया. एक चीज ध्यान रखना, कैपिटल हमेशा सबसे आगे आएगा, स्मॉल पीछे आएगा. करवा दिया बेटा, तो आपको चार तरीके के प्लांट यहाँ पर मिल जाते हैं. तो कैपिटल टी मिल गया, ये हो गया आपका टॉल. कैपिटल टी स्मॉल टी ये क्या हो गया, टॉल. ये भी हो गया टॉल, और ये हो गया बेटा डॉफ.
ठीक है, ये मैं आपको बता चुकी, कैपिटल टी स्मॉल टी जब लिखा जाएगा तो कैपिटल टी के कैरेक्टर लिखे जाएंगे, यहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस काम कर रहा है। स्मॉल टी में कोई कैपिटल लेटर आया ही नहीं है, इसलिए यहाँ पे कोई भी लॉ काम नहीं करेगा, ये अपने कैरेक्टर को शो कर देगा। ये आती है बेटा आपकी एफ टू जनरेशन, और यहां से आपका आता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये कहलाता है, कहता है कि अगर कोई कैरेक्टर एक जनरेशन के अंदर छुप गया है, यानी F1 जनरेशन में अगर वो छुप गया है, तो जरूरी नहीं है वो हमेशा छुपा रहेगा, अगली बार जब सेल्फिंग कराई जाएगी दो हेटरोजाइगस प्लांट के बीच में, तो वो अपने आप को शो कर देगा। यानी कि रिसेसिव कैरेक्टर अपने आप को कब शो करता है, जब रिसेसिव कैरेक्टर जो होता है होमोजाइगस कंडीशन में होता है, और होमोजाइगस कंडीशन बनती कब है, जब दो हेटरोजाइगस प्लांट के बीच में क्रॉस करवाया जाता है। तो यहां से लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आएगा कि छुपा हुआ कैरेक्टर गैमेट फॉर्मेशन के दौरान अपने आप को अलग करता है और अपने आप को शो करने की क्षमता भी रखता है। अब यहां से बेटा आपको दो रेशो निकालने रहते हैं, फीनोटाइप रेशो और जीनोटाइप रेशो। फीनोटाइप रेशो में हम सिर्फ ये देखेंगे कितने पौधे टॉल है, देखो एक दो और तीन, तीन पौधे टॉल है और एक पौधा ड्वार्फ है, दैट इज कॉल्ड फीनोटाइप रेशो। जीनोटाइप रेशो में हम क्या देखते हैं बेटा कि कितने तो होमोजाइगस टॉल है और कितने हेटरोजाइगस हैं। तो होमोजाइगस टॉल वन, हेटरोजाइगस टॉल एक ये रहा और एक ये रहा टू, और होमोजाइगस ड्वार्फ एक। तो इस तरीके से आपके रेशो निकलता है फीनोटाइप और जीनोटाइप। फीनोटाइप रेशो 3:1, जीनोटाइप रेशो 1:2:1। तो ये आपके फीनोटाइप और जीनोटाइप रेशो हो गए। फीनोटाइप रेशो में आप ये नहीं देखते हो कि होमोजाइगस है या हेटरोजाइगस, आप सिर्फ ये देखते हो कितने टॉल है और कितने ड्वार्फ है, जबकि जीनोटाइप रेशो में आप ये देखते हो कितने होमोजाइगस टॉल है, कितने हेटरोजाइगस टॉल है, कितने होमोजाइगस ड्वार्फ है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मोनोहाइब्रिड क्रॉस से आया, लॉ ऑफ डोमिनेंस मोनोहाइब्रिड क्रॉस से आया, लॉ ऑफ डोमिनेंस आया F1 जनरेशन में, लॉ ऑफ डोमिनेंस सेग्रीगेशन आया F2 जनरेशन में। तो इस तरीके से मोनोहाइब्रिड क्रॉस को परफॉर्म करवाया गया और मेंडल के द्वारा। और इसे ध्यान रखना, ये सिर्फ इसी के लिए नहीं है, आप कोई भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराओ ये सिंबल्स बदलते चले जाएंगे, पैटर्न चेंज नहीं होता है, पैटर्न हमेशा क्या रहता है बेटा, यही का यही रहता है। यहाँ पे कैपिटल टी को स्मॉल टी से क्रॉस करवाते रहो, और जब भी आप एक चीज बस यहाँ पे याद रखने वाली है, व्हेन एवर बोथ द सिंबल आर सेम द कंडीशन इज, व्हेन एवर बोथ द सिंबल आर सेम द कंडीशन इज होमोजाइगस, इफ बोथ द सिंबल आर डिफरेंट, इफ बोथ द सिंबल आर डिफरेंट द कंडीशन इज, कुछ भी हो सकती है ऐसे, अगर दोनों सिंबल आ रहे हैं तो हेटरोजाइगस कंडीशन है, अगर ये दोनों सिंबल सेम है तो होमोजाइगस कंडीशन है। आपको ये ध्यान रखना है जब भी हेटरोजाइगस कंडीशन बनेगी कैरेक्टर किसका शो होगा, कैपिटल लेटर वाले का शो होगा, स्मॉल वाला अपने आपको छुपा लेगा, लेकिन जब दो हेटरोजाइगस प्लांट के बीच में क्रॉस करवा देते हो तो स्मॉल वाला भी अपने आपको शो कर देता है। लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अराइज फ्रॉम दिस मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही है, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो दो तीन क्वेश्चंस मैं आपको दे रही हूँ, आप प्रैक्टिस करके देखें, और अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, तो मैं आपको उसको सॉल्व करके भेजूंगी। ठीक है बेटा, लाइक हमने लिया कोई राउंड क्रॉस विद स्मॉल आर, स्मॉल आर को करके देखना, आर फॉर राउंड, कैपिटल आर फॉर राउंड एंड स्मॉल आर फॉर रिंकल। ओके, इसका जीनोटाइप फिनोटाइप निकालना है और पूरा क्रॉस F1 जनरेशन F2 जनरेशन फाइंड आउट करना है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, कैपिटल पी फॉर पर्पल एंड स्मॉल पी फॉर वाइट। ओके, तो ये आज आपकी एक्सरसाइज है जो आपने करके देखनी है। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।